अब मोबाइल वॉलेट के लिए नई गाइडलाइन लाने जा रही है। दरअसल नई गाइडलाइंस में RBI वॉलेट यूजर्स को गलत ट्रांजैक्शन से बचाने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को मंजूरी दे सकती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब धोखाधड़ी का पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा यूजर्स को KYC कराना जरूरी होगा। क्रेडिट पॉलिसी में RBI ने ऐलान किया है कि अगले साल अप्रैल तक अलग अलग ई वॉलेट के बीच पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। ई वॉलेट कंपनियां RBI के इस कदम से काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। क्या है नई गाइडलाइंस? कस्टमर्स UPI के जरिए अलग अलग कंपनियों और बैंकों से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पहले वो लोग जो पैसे लेने देने के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल करते थे, वो एक कंपनी के ई वॉलेट से दूसरी कंपनी के ई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। एक ऐप ई वॉलेट से दूसरे ई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने की सर्विस फिलहाल उन्हीं ई वॉलेट्स में है जो सरकार के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से जुड़े हुए हैं। फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल जाने पर सभी ई वॉलेट्स को KYC नियमों का पालन करना होगा, जिसमें KYC पूरी नहीं होने पर यूजर्स सिर्फ 10,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजर्स 12 महीने के दौरान KYC पूरी करा लेता है तो वह 1,00,000 रुपए तक ट्रांसफर कर पाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।